हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द आउटकास्ट और अक्कारमशी नॉवल की। ये जो नॉवल है शरण कुमार लिंबले के द्वारा लिखा गया है। अक्कारमशी वर्ड है जो इसका मीनिंग है हाफ कास्ट। ये एक तरह से एक अब्यूज की तरह यूज किया गया है ऐसे पर्सन के लिए जिसके पेरेंट्स जो है डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, मीन्स मदर किसी और कास्ट से और फादर किसी और कास्ट से। शरण कुमार लिंबले का ये जो नॉवल है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। इसमें उसने अपनी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है। वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसने अपनी कम्युनिटी की पेन को डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवल के थ्रू। इस नॉवल में दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा था क्योंकि पुराने रीति रिवाजों के चलने के कारण हायर क्लास जो पीपल थे, हायर कास्ट के पीपल, वो लो कास्ट को एक्सप्लॉइट करते थे। धर्म की आड़ में दलितों के साथ काफी शोषण हो रहा था। ये जो नॉवल है इसमें आजादी के बाद की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है। द आउटकास्ट नॉवल में दलित की सिचुएशन पर मेन तौर से फोकस किया गया है। दलित के साथ जो काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, नंबर वन तो कास्ट के बेस पर उनको कास्ट, लोअर कास्ट और अपर कास्ट टाइम में डिस्क्रिमिनेशन था, और सेकेंडली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मीन्स ऑब्वियसली जो लोअर कास्ट पीपल थे वो गरीब भी होते थे क्योंकि उन्हें ऐसे काम मिलते थे जैसे कि लेबर, मजदूरी, तो इससे उनकी कमाई भी थोड़ी होती थी और ऑब्वियसली वो हाई कास्ट पीपल से गरीब होते थे। और तीसरी जो सबसे मेन है डिस्क्रिमिनेशन का कारण था उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि नरेटर को भी अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी, इसमें बच्चे की आइडेंटिटी है जो फादर पे निर्भर करती है कि जो उसके फादर जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका बच्चा भी उसी कास्ट से बिलोंग करेगा। लेकिन नरेटर इसमें हाफ कास्ट है, मीन्स जो उसके पिता है वो पाटिल है, वो लैंडलॉर्ड है, लेकिन उसकी माँ लैंडलेस है और पुअर है, यानी कि उसके पिता हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन माँ है जो महार कम्युनिटी लो कास्ट से बिलोंग करती है। नॉवल के स्टार्टिंग में जो है शरण कुमार है जो अपनी प्राइमरी स्कूल लाइफ को डिस्क्राइब करता है जब उसे अवेयरनेस होती है कि वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है क्योंकि वहां पे जो हाई कास्ट स्टूडेंट और लोअर कास्ट स्टूडेंट में उसे फर्क पता चलता है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी ड्रेसिंग सेंस और इवन की लोअर कास्ट और हाई कास्ट बच्चों की गेम्स भी अलग अलग होती थी। तो शरण कुमार ने इसमें अपनी नरेशन में क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो दलित हैं वो सिर्फ भूख के लिए पैदा हुए हैं, क्या उनका सिर्फ उनके लिए सिर्फ पेट भरना ही जरूरी है और उन्हें सारी उम्र जो है उनके जीवन में उसको शोषण ही किया जाएगा उनका, क्योंकि दलितों के लिए भोजन जुटाना भी इतना मुश्किल था कि वो भूख से ज्यादा कुछ और सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि हंगर जो है इंसान के लिए पेट भरना सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद ही वो कोई काम कर सकता है। लेकिन उनकी ये जो अर्निंग इतनी कम होती है दलितों की कि वो अपना पेट भर ले तो यही उनके लिए बहुत होता है। दलित जो है उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इंडियन कास्ट सिस्टम का नतीजा है। उनके जन्म से ही उनको दलित घोषित कर दिया जाता है। दलित ही है जो वैसे हाई कास्ट का जो सभी काम करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई अधिकार नहीं है। दलित मंदिर नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं ले सकते, जबकि जिस कुएं को उन्होंने अपना पसीना बहाकर खुद ही पानी निकाला होता है, खुद ही उसे बनाया होता है, लेकिन वो वहां से पानी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो बाकी लोग है जो इम्प्योर हो जाएंगे, अगर वो वहां से पानी लेंगे तो वहां का पानी इम्प्योर हो जाएगा। ऐसी सोच थी जो उस टाइम पे काफी प्रिवेलेंट थी। नॉवेल में ऐसे एक इंसिडेंट बताया गया है जिसमें कि शिवराम की जो हाई कास्ट से बिलोंग करता है उसकी एक टी शॉप होती है, तो वहां पे जब दलित आते हैं तो उनके लिए अलग से ग्लास रखे होते हैं, उन्हें वहां पर चाय पीकर खुद ही अपने ग्लास साफ करने होते हैं, वो बाकी लोगों के ग्लास को हाथ नहीं लगा सकते, उनका अलग ग्लास होते हैं, और जब वो चाय पी के पैसे देते हैं तो फिर भी वो उसको टच नहीं करते बल्कि बिना टच किए उसे पैसे देने होते हैं। तो ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है जो नॉवल में डिस्क्राइब की गई है जिसमें दलितों के साथ एक तरह का अन्याय हो रहा था कि उनको छूना भी पाप समझा जाता था कि अगर उन्होंने किसी को छू लिया तो वो इम्प्योर हो जाएगा। बट जो नॉवल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू है वो इसमें बताया गया है, सोसाइटी में दलित वुमेन जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। एक जगह पर तो हाई कास्ट पीपल हैं जो अनटचेबल्स से डिस्टेंस में रहते हैं, उनसे टच भी नहीं होते कि वो इम्प्योर हो जाएंगे, तो लेकिन दूसरी तरफ अपर क्लास जो
मैन है जो आदमी है वो दलित औरतों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। नरेटर डिस्क्राइब करता है कि वो लोग जिनका जन्म हायर कास्ट में हुआ है उन्हें धर्म के नाम पर क्या एक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो लोग कास्ट को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। पार्टीज जो है हाई क्लास पीपल ने लगभग सभी गाँव में दलित मजदूरों की पत्नियों को अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए यूज करते हैं। क्या उस टाइम पे उनकी एम्प्योरिटी नहीं होती, उनमें एम्प्योरिटी नहीं होती क्योंकि इस टाइम पे उन्हें एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी सेक्सुअली सेटिस्फाई हो सके और उनके पास आसान सा रीजन हो जाता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। शरण कुमार लिंबले जो है उसने अपनी माँ मसमई की भी एक पैथेटिक स्टोरी है जो उसको डिस्क्राइब किया गया है इस नॉवल में। लिंबले ने कहा है कि लिंबले की जो मदर है वो इठाल कांगले से मैरिड थी और उसके दो बेटे थे, लेकिन उसका पिता जो इठाल कांगले वो हनुमंता लिंबले के फार्म पे काम करता था और हनुमंता लिंबले की उसकी माँ पे मसामई पे नजर थी और वो चाहता था कि इन दोनों का रिलेशन टूट जाए। तो वो ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं कि वो उन दोनों पैदा कर देता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। लेकिन इठाल कांबले जो मसमई का हस्बैंड होता है वो तो दोबारा से दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे औरत की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं थी तो वो औरत को अपवित्र समझा जाता है कि वो दोबारा से मैरिज नहीं कर सकती। तो हनुमंता जो है वो उसकी माँ मसमई को उसकी वाइफ को अपने पास रख लेता है यूज करने के लिए, तो अपने पास कीप बना के रख लेता है। उनके बीच में रिलेशंस भी होते हैं और जिससे कि शरण कुमार लिंबले का जन्म होता है। जब तक कि हनुमंता को उसकी जरूरत होती है तब तक वो अपने पास रखता है, लेकिन बाद में उसे छोड़ देता है। उस टाइम पे जो है दलितों को एक स्लेव की तरह माना जाता था कि जो भी ऑर्डर दिया जाता है वो पूरा करेंगे और उन्हें वो एग्जीक्यूट करना ही होता था क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत होती थी और उन्हें हायर कास्ट पीपल का कहना मानना ही पड़ता था। लिंबले जो है इसी कारण से अपनी आइडेंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर काफी परेशान रहा है अपनी पूरी लाइफ में क्योंकि वो एक इललेजिटिमेट सन है और वो अपने आप को एक ब्रांडेड इललेजिटिमेट कहता था क्योंकि उसके फादर तो पाटिल थे लेकिन उसकी मदर है जो वो महार कम्युनिटी की है। उसे अपना जीवन एक कर्स एक शाप की तरह लगता है कि उसकी माता ने उसे जन्म देने से पहले मार क्यों नहीं दिया। उसके पिता ने हनुमंता ने उसकी माँ को एक पेट की तरह उसकी माँ को यूज किया, कुछ टाइम अपने पास रखा और बाद में छोड़ दिया। तो शरण कुमार कहता है कि उसके पास कोई पिता का नाम नहीं है। लिंबले को है जो कास्ट के बेस पर भी काफी परेशानी होती है, वो सोचता है कि मेरे फोर फादर्स मेरे पूर्वज तो लिंगियात हैं, मेरी मदर जो है वो माहर है तो इसका मतलब मैं भी माहर हूँ, लेकिन मेरे दादी ने मुझे पाला है और वो मुस्लिम है, उसकी दादी का नाम शांतामयी है वो मुस्लिम है, तो कहता है तो फिर मैं मुस्लिम भी हूँ, मैं हाई कास्ट का नहीं हूँ क्योंकि मेरी माँ तो महार कम्युनिटी से है, लेकिन मैं अनटचेबल भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे पिता तो पाटिल कम्युनिटी से हम इस हाई कास्ट से हैं। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, मैं किस कम्युनिटी का हूँ, आई हैव एक्चुअली नो आइडेंटिटी। तो यही बातें सोच सोच कर वो काफी परेशान रहता था कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत से जो ऐसे बच्चे थे जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे लेकिन उनके पास उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी क्योंकि हायर कास्ट पीपल है जो लो कास्ट को बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे। तो दलित जो है इकोनॉमिकली भी काफी वीक होते थे, उनके पास कुछ ही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस होते हैं जैसे कि लेबर करना जो कि हायर कास्ट पीपल के काम करने होते हैं। उनको एक दलित को अपना पेट भरना ही सबसे बड़ी जरूरत होती थी क्योंकि वो सभी लेबर वर्क करते थे, उनकी कमाई भी बहुत कम ही होती थी, तो उन्हें यही काफी होता था कि अगर उन्हें खाने पीने को प्रॉपर मिल रहा है तो वही बहुत है। दलित के साथ उस टाइम पे एनिमल से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। तो लिंबले इस पूरे नॉवल में यही क्वेश्चन करता है कि क्या एक इंसान है जो दलित समाज में जन्म लेते ही अपराधी हो जाता है, क्या उसका क्या कसूर है, क्योंकि वो भगवान ने तो सभी को बराबर बनाया है, किसी के साथ कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन जो हिंदू रिलीजन है या जो कम्युनिटी है जो सोसाइटी है उसने हमारे के साथ इतना ज्यादा फर्क क्यों रखा है। इस ऑटोबायोग्राफी से लिंबले यही कहना चाहता है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो कि कास्टलेस हो और क्लासलेस हो, जिसमें कि सिर्फ एक पर्सन को एज अ ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज किया जा सके, ना कि उसकी कास्ट के बेसिस पर। उसके साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए। Thanks for listening me friends, please subscribe my channel and if you like my audios then please share to your friends, take care.